छोरी तेरी। व्हाट्सएप पीपल, इट्स 11 AM और मैं अब सॉरी 12 PM क्या बोल रहा हूँ, 11 AM। अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मेरा पापा का 2 पेज प्रिंट है, मेरा 2 पेज प्रिंट है, करके आते हैं भाई। घर के सामने अभी होता है तो नॉट इशू। आज काम पर नहीं आया ड्रेन के लिए, इसलिए वो सारे देखो वो पड़ी है, पता नहीं क्यों नहीं आया है। एनीवे लेट्स गो। गर्मी में बाबू नहाने आई है हमारा इधर ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पर हम आया है भाई, थोड़ा अलग अलग लग रहा है। एक प्रॉब्लम है कि ये फ्यूज, ऊपर का फ्यूज देखो काट हो गया, इसीलिए वो चारों से एक में लाइन नहीं है, फ्यूज कट वो जुड़ना पड़ेगा अभी। जॉइन कर ले अभी। ओए तेरी देखो ओए ওইখানে তার জুড়ে আছে ওই জন্য থাকবে না ও পুড়ে যাবে। मैं घर का सारे इलेक्ट्रिसिटी काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि घर में MCB है, अगर कुछ होता तो MCB अपने आप ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है भाई साहब, सो आई विल नॉट टेक दिस। चलो, इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज कट होती है क्यों पता है? क्योंकि फ्यूज एक्चुअली बर्न हो जाती है हीट में, जब एक नेगेटिव पॉजिटिव एक हो जाती है शॉर्ट सर्किट, तो बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट में वो फ्यूज छोटा जगह है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते है, और रेजिस्टेंस के वजह वो पूरा हीट होके मेल्ट हो जाती है, इसीलिए काट हो जाती है, दैट इज़ द रीज़न। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊँ, हमारा इधर ना एक जगह मैंने बोल दिया वो अंकल को कि एक जगह पर वायर ना टच हो रहा है, दो वायर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एयर हवा में हिल रहा है और टच हो जा रहा है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है क्या, इसीलिए बार बार। एंड फॉर्चुनेटली वो हमारा लाइन नहीं है, यहाँ पर 3 मेन फेस होती है। कोई आ रहा है, मैं ब्लॉग नहीं करूँगा भाई साहब, शर्म लग रहा है। हाँ तो 3 मेन फेस होती है, एक नेगेटिव, तो 3 में हमारा वो नहीं है, हमारा लाइन अलग है, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज ग्रेट सक्सेस। ये देखो फॉक्स जा रहा है भाई, ओपन ओपन भाई, बांग्लादेश में तो रनवे के ऊपर फॉक्स जाते हैं, हमारे इधर रास्ते के ऊपर, तो भी अच्छा है। सीरियसली मैंने देखा ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के ऊपर फॉक्स जा रहे हैं, एक एयरलाइंस आ रहा था तुर्किश एयरलाइंस फ्रॉम तुर्की इस्तांबुल, वो पायलट बोला आई हैव सीन सम टाइप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वो पायलट को तो पता नहीं कि इसको फॉक्स कहते हैं, वो ATC को बोला, ATC मतलब यार ट्रैफिक कंट्रोल को बोला कि आई हैव सीन एनिमल्स ऑन द रनवे, आफ्टर दैट ही लैंड सेफली। FiveThirty-seven PM और गाइस एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट न्यूज है, हमारा घर के पास में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब डाइड बाइक विद बस, समझा, सुना है मैंने जितना कि बस के सामने बाइक गिर गया और पूरा हेड के ऊपर से टायर चला गया, ऐसा कुछ सुना है। तो कल मैंने किया था ना, क्या कि कल रात हो गया था, इसीलिए मैं एडिट करके रखा है सब कुछ, लेकिन रेंडर पर नहीं दिया था, क्योंकि रेंडर में ऑलमोस्ट 10 मिनट टाइम लगता है, तो मिस हो गया था सेव करके, तो अभी रेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे अपलोड करूँ व्लॉग। सो वही कर रहा हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे, अभी नमाज पढ़ने पड़ती है, सो लेट्स डू इट। मेरा लाइफ में आज तक कोई ऑन स्पॉट एक्सीडेंट देखा नहीं कि ऑन स्पॉट डेट हो गया, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले दिन में नहीं, आई डोंट वांट। थोड़ा थोड़ा एक्सीडेंट देखा कि गिर गया, चलो ठीक है नॉर्मल है, वो तो बहुत ही चाइल्डहुड से ही देख रहा हूँ भाई, साइकिल से गिर गया ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा भयंकर एक्सीडेंट आई डोंट वांट इन माय लाइफ यार। चलो देख आते हैं क्या हाल है उधर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आज
जो दिन है वो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारे घर के पास हो जाएगा कभी नहीं सोचा था भाई। मैंने एक्सीडेंट के टाइम पर तो नहीं था, लेकिन आई गॉट पिक्चर्स एंड वीडियोस, वो तो मैं शेयर डेफिनेटली नहीं कर सकता, लेकिन इतना खतरनाक था ना, मतलब बाइक पूरा बस के अंदर चला गया और जो पर्सन था तो वो तो स्पॉट डेड एकदम। मतलब ये सब मुफ्फू कुछ भी नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया है। सो लाइफ में जैसे आने का सीक्वेंस होता है ना, ग्रैंडफादर, फादर, देन सन, डॉटर, लेकिन जाने का कोई सीक्वेंस नहीं। हो सकता है कि सन पहले जाएगा, उसके बाद लास्ट में ग्रैंडफादर जाएगा। सो ऑलवेज स्टे हैप्पी विथ योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट। एंड यहाँ पर एटीट्यूड पर जो आ जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए नहीं आने का। तो सबसे बेस्ट थिंग इज सबको मतलब नॉर्मल चलो, सो दैट इट विल बी हैप्पियर लाइफ टिल आवर लास्ट डेथ, लास्ट ब्रेथ, डेथ ना। सो आपसे मिलेंगे कल, और सीरियसली मूड ऑफ हो गया। मैं सोच रहा हूँ भाई इतना पढ़ाई पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, एक दिन तो चला ही जाना पड़ेगा। मतलब ये वो सोच आती है समटाइम, ऐसा होता है कि लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं, ये जो सच है, ट्रू फैक्ट है, वो हम भूल जाते हो ना कि हमारा भी एक दिन इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड से छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बिजी हो जाते हैं। तो एनीवे आपसे मिलेंगे कल एंड हैव ए गुड डे। सो तारा कुछ बोलने का मूड नहीं है। Say sorry.